नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए व्लॉग में। तो कल रात हुई है खूब सारी बारिश और आज का मौसम जो है जबरदस्त। सौराष्ट्रे सोमनाथम चौसी सैले मल्लिकार्जुन मुज्जैनिया महाकाल ओंकार ममलेश्वर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शेखर जोशी व्लॉग्स में। तो देखते हैं आज क्या क्या हो पाता है। कल तो बहुत थकान हो गई थी, बहुत काम था हम लोगों का। तो दोस्तों, यहाँ बारिश लगभग हो चुकी है शुरू और कल ना बरसात बहुत तेज थी, बहुत तेज बारिश थी। ये सारे आम झड़ गए हैं, ये और ये सारे, ये गिरे पड़े हुए हैं। ये इतना आम होता था ना, ये इतना ज़्यादा आम होता था, मतलब हमने तो मैंने इतना खाया है ना बचपन में, पका पका के खाते थे हम लोग। और इतना मीठा आम है ये, अभी छोटे में भी मीठा होता है, मतलब खट्टा होता ही नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पे ना एक समस्या हमें ये आ रही है, हम जितना भी अपने घर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये गांव पड़ोस के लोगों की ना बकरियाँ और गायें आ जाती हैं यहाँ पे, और वो लोग देखते ही नहीं है। मतलब बैठे होते हैं, सामने बैठे होते हैं, सामने बकरी चल रही, बकरी आ रही घर में या गाय आ रही है, उसको वो हाँकते ही नहीं है। और जब भी हम बाहर जाते हैं, अभी जो हमने क्यारी लगाई थी, हालांकि हमने उससे सब्जी खा ली थी पर थोड़ा सा बची थी और वो गाय आके खा गई। अब मैं सोच रहा हूँ ना कुछ कांटे वांटे लगा करके कुछ एक आध जगह एटलीस्ट बंद करो, चलो देखते हैं क्या होता है। वहाँ पर है वो पेड़ और वो कांटों का पेड़ से मैं कांटा तोड़ के, कांटा काट के जो है वहाँ पर लगाऊंगा। तो गाइस, यहाँ पे भू भी लगा रही है झाड़ू। वाव, भू कहाँ 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 सारे कूड़े साइड। बाहर लगा लिया, यहाँ लगा दिया है मैंने, लगा दिया मम्मी ने। जहाँ झाड़ू लगाए भूभी गाइस, वहाँ झाड़ू लगा रही है मम्मी। इंट्रो चुपा, मैं बनाने लगी हूँ नाश्ता, नमकीन पराठा और चाय। स्वागत है बोल दिया आपने। हाँ तो दोस्तों, आज हम पूरे दिन बिजी थे, ब्लॉगिंग ही नहीं कर पाए, शाम हो गई है। हम लोग जा रहे हैं पिकनिक करने। ओए होए, कहाँ पिकनिक करने? कहाँ जा रहे हैं पिकनिक करने? सच में जा रहे हैं? सच्ची में? पहले पहले ये बता, किसका बेटा है? मामा। हो गया, अभी नहीं जा रहे, मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ। मामा। किसका बेटा है? पापा। किसका बेटा है? पापा। अच्छे से बोलो। मामा। मामा। सूट कहाँ है मेरा? तो दोस्तों, कल शाम तो बहुत ही भयंकर बारिश आ गई थी, बहुत ही भयंकर, मतलब हमारी इतनी हालत खराब हो गई, क्योंकि वो टिन वाला है ना, जो टिन वाला, इसने तो ऐसी आवाज कर दी और पट 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 की। मैं तो रात को भागा सीधे उधर गया, क्योंकि आजकल क्या करते हैं ना, हम लोग यहीं सोते हैं और ये जाली वाला जो है ये ओपन रहता है, आराम से सोते हैं, एकदम बेफिक्र हो गए, क्योंकि यहाँ पहाड़ों में टेंशन कुछ नहीं होती। और आज धूप है, देखो। तो दोस्तों, बच्चों को थोड़ा गोविंदपुर घुमा लाते हैं। और गोविंदपुर तो हम गोविंदपुर से क्या करेंगे ना, स्पेशल जो मिठाई आती है वो खरीदेंगे, क्योंकि वो मिठाई जो है हल्द्वानी वालों ने भी मंगाई है, उनके लिए भी ले जाना है। तो दोस्तों, हमारा हमारे गांव में हमारे भैया लोगों का मकान बन रहा है, तो थोड़ी देर उसको भी देख आते हैं, क्योंकि वो लोग बाहर रहते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे गांव में जो है एक के बाद एक मकान अब बन रहे हैं, ये हमारे लिए सबसे खुशी की बात है। और इस मकान का काम शुरू हो चुका है, ये देखो, और हमारे सभी लोग, हमारे गाँववासी काम करने वाले जो हैं यहाँ पर कर रहे हैं। हेलो गाइस, मैं पानी लेके आ रहा हूँ। कहाँ से ला रहा है? धारा से। चल ठीक है। तो हमारी फिर से भूविका, मतलब परी हमारी फिर से सबसे आगे है, ये देखो हिमांशु, इतना प्यारा व्यू आता है इसमें, देखो यहाँ पे ना देवी थान के यहाँ पे। नो नो, नहीं, वो पीछे है, पीछे है, चल 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 पीछे, जल्दी जल्दी तो पर ही नॉट लगी, मत दिखाना, मार खाएगी मेरे हाथ से, तुम भी हंसी है। अच्छा, और हाथ से
एक ग्रोप्रो है, इससे कुछ नहीं हिलता। अब वो हिला क्या कर सकते। जय जय हो माता, तो दोस्तों मतलब आप लोगों को पता नहीं होगा कि पूजा भी हमारे सामने मतलब गांव की ही मतलब इनका घर भी हमारे गांव के सामने गांव में है, तो इनका मंदिर भी यहीं पड़ता है, तो इसका मन था कि हम एक बार माता के दर्शन में कर लूं, तो हम इसको लेके आए हैं आज। चलो दोस्तों, जय माता की, जय माता की, जय माता की। अरे देखो दोस्तों, हाथ में क्या पकड़ रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग अगर बार बार मंदिरों में जाते हो, माता के दर्शन होते हैं, तो सोचना कि आप पर ना भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, और हम पर तो है। पहले से मैं जब आता था तो तरसता था कि आराम से कभी यहाँ बैठूँगा और कभी यहाँ पर आऊँगा, क्योंकि एक आध दिन ही आ पाते थे। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है। इस बार हम जब आए हैं, पहली बार हम लोग इस बार गाँव में आए हैं जो सबसे लंबा रुके हैं, तो इस बार माता के बहुत दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही आनंद आ गया। सांवले सलोनी तेरी झील सी आँखें, इनमें न जाने कहाँ खो गया है मेरा दिल। पापा किसी से प्यार तो नहीं हुआ? ओए ये देखो, बहुत ही बेकार हो गई यार, हाथ से निकल गई, हाथ से निकल गई, स्पीचलेस। 3, 2, 1 सीधे काम मत करना, तो सब उल्टे काम कर। गाइस गाइस गाइस, मैंने ना भी हिरन देखा। कहाँ था? ऐसे चलते हुए आ रहा था। हाँ। मैंने देख लिया। अच्छा। वाह, आदि पुरुष का होगा VFX वाला हिरन। मैंने सच में हिरन देखा। दोस्तों हम लोग बैठे थे यहाँ पे और पूजा और लक्ष्य भी आ गए हैं, ये लोग अपनी फोटोज दे रहे थे वहाँ मंदिर में, तो ये लोग भी पहुँच गए हैं, अब हम लोग चलते हैं। चलो ए। सबसे पुरानी चाय की दुकान है, समझ गए? ऐसा है ना, एक गाय भी दे दो ब्याई हुई तो ले जाते हैं घास का गड्ढा। मेरी ले जाओ, गाय तो नहीं है, मेरी ले जाओ, ब्याने वाली है अब इसी महीने। चिड़कुल है ये, चिड़कुल। ओए ये कैसे, किस्तों में या वैसे आशीर्वाद? क्या क्या ए भूवी, हां पंडित जी को दान है। तो ऐसे घास ले जाते हैं लोग, क्योंकि जो वो लूटा लगा होता है ना, आज लूटा खुल रहा है। कितना गड्ढा निकलता है एक लूटे में? चार गड्ढा। वैसे गाजो क्या, कितने रुपए गड्ढा हो रहा है? 200 रुपए का एक गड्ढा हो? अरे बाप रे, एक जमाना हमारा था 30 रुपए गड्ढा, मैंने भी देखा है 30-25 रुपए। तो हम पहुंच गए गोविंदपुर। तो दोस्तों हम आ गए हैं अपने गांव के अर्जुन दा के दुकान में, और इनका जो है ना फेमस कलाकंद है, आप देखते होंगे, ये हमारे अर्जुन दा हैं। तो दोस्तों मतलब जो ये कलाकंद है ना, ये कलाकंद आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, और मे भी आपको और जगह मिल भी जाए, मतलब शायद इस टाइप का बना हुआ भी मिलेगा, लेकिन जो टेस्ट आपको यहाँ के कलाकंद में आएगा ना, वो कहीं नहीं आएगा। अच्छा, हमारे एड़ादो के ना सुरदास जी महाराज जी भी हैं, जो लोग हैं यार कमेंट करना यहाँ के, वो हैं राइट, सबसे राइट साइड पर, और बीच में मोहनगिरी जी है ना, बीच में है महादेवगिरी जी महाराज, और सबसे किनारे पर जो खैर निमगौरव जी हैं, वो आपको सभी को पता है। भेड़ पाको बार्यो मासा, ओ नरण का फल पाको।
तो ये लोग आ गए हैं फोटो वोटो खिंचवा के, ये स्नैपचैट पता नहीं क्या कर रहे हैं। तूने मेरे को नहीं खिलाया ना? अपना घर का मैंने तो। चले हम आगे को चलते हैं। हल्ले हल्ले हो जाए। मेरा है। तेरा हाथ में है भूभी। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं, पहुंच गए यहाँ पे आधे रास्ते में। आधे रास्ते में हमने गाड़ी खड़ी करी थी और पता है ठंडी हवा ऐसी चल रही है जैसे एसी चल रहा होगा, तो हमने ना गाड़ी के सारे वो खोल दिए। अब अंदर जो है एकदम कूल हो जाएगा और सब लोग आ गए हैं। वो आओ रे, अभी टाइम ही नहीं है हमारे पास, नहीं तो सिद्धेश्वर भी ले जाते इनको। ऐसा मंदिर है ना, सिद्धेश्वर भी बढ़िया है यार। वो सामने है सिद्धेश्वर, वो जंगल में। तो चाय बना रही है पूजा, बना दी है, बना दी। हाँ यार मुझे वो गोल वाला बिस्कुट देना। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं घर और हनुमान चालीसा पढ़ेंगे अब। यार हनुमान चालीसा कब शुरू कर रहे हो? तो आज पूजा और लक्षा बना रहे हैं मोमो घर पे। मोमोज मोमोज ये लोग काम पे गए और मैं लेट हूँ। हाँ तू लेट जाओ। तो दोस्तों ऐसा रहा आज का व्लॉग। और अभी देखो ये मोमो का तो मसाला बन चुका है, ये देखो। अभी अभी पापा गुड नाइट नहीं बोलेंगे क्योंकि जब मोमोज खाते समय ही बोल देंगे। अच्छा उस समय बोलना है? ऐसी खा लो। ओए स्टाफ मत खा चोरी करके। बुरी गंदी बात। ये स्टाफ चोरी कर रही है। इतने भी तो चोरी किया। वो बना भी तो रही है। मोटू राम तालियां आपके लिए। तो दोस्तों फाइनली मोमो बन गए। ले गई भाभी बहुत सारे हैं। सारे ले गई। लक्ष्य यार हमें स्नैप बनानी थी। शाबाश पूजा और लक्ष्य। मम्मा भी यार, मम्मा का बहुत बड़ा हाथ है। मैंने भी तो कर रहे मेहनत। तो दोस्तों सबने मेहनत करके इतने अच्छे रोस्टेड मोमो बनाए हैं, मजा ही हो गया। आज का दिन ऐसा रहा और आपके चैनल को प्यार और लाइक्स कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय। गुड नाइट दोस्तों, गुड नाइट, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में, बाय।